शरीर के द्वारा काम करने की क्षमता को ताकत कहा जाता है। ताकत को मुख्य दो भागों में बांटा गया है, पहला शारीरिक ताकत और दूसरा मर्दाना ताकत। यह दोनों ही आपके स्वस्थ शरीर पर निर्भर करते हैं। शरीर में ताकत की कमी होने से आपको कमजोरी का आभास होता है और ताकत की कमी से आप कार्य को करने में असमर्थ रहते हैं। वैसे तो बाजार में कई सारी ताकत बढ़ाने वाली दवाएँ हैं, लेकिन उन दवाओं के अलावा खाने की ऐसी कई चीज़ें हैं जिनका सेवन करके आप घोड़े जैसी ताकत और फुर्ती पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले निशान को दबाएं ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आपको मिले। नंबर एक, संतरा। संतरे दिखने में जितने अच्छे लगते हैं उतने ही खट्टे मीठे स्वाद के कारण लोगों को पसंद आता है। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन बी, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जिसकी सहायता से आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बच सकते हैं। ये एक ऐसा फल है जिससे आप खुद की सेहत को और बेहतर कर सकते हैं क्योंकि इसमें विटामिन सी जरूरी मात्रा से 106% ज़्यादा होता है। नंबर दो, सेब। एक कहावत है कि एक सेब का रोजाना सेवन आपको डॉक्टर से रखे दूर। सेब में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, बोरान, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। सेब में भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है जिससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों में होने वाली अन्य समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। सेब में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कार्बोहाइड्रेट के पाचन को आराम से होने देता है, इसकी वजह से आपको एक लंबे समय तक ऊर्जा मिलती रहती है। नंबर तीन, केला। केला एक ऐसा फल है जिससे सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। इसमें प्रोटीन, विटामिन आदि पोषक तत्व अच्छी मात्रा में पाया जाता है। केले में मौजूद कार्बोहाइड्रेट शरीर को तुरंत एनर्जी देता है। एक स्टडी के मुताबिक 75 किलोमीटर के साइकिल ट्रेल से पहले एक केला आपको इतनी ऊर्जा देता है कि आपको किसी ड्रिंक की जरूरत नहीं होती। नंबर चार, बादाम। बादाम को अपने नाश्ते में शामिल करना ना भूलें क्योंकि बादाम एक हेल्दी ड्राई फ्रूट है। इसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा बादाम में विटामिन बी, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन भी पाया जाता है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम और विटामिन बी खाने को ऊर्जा में बदलने में मददगार साबित होते हैं। बादाम को अच्छी तरह पचाने के लिए भिगोकर खाना चाहिए। नंबर पाँच, शकरकंद। सर्दी के मौसम में मिलने वाला शकरकंद जितना स्वादिष्ट और मीठा होता है उतना ही फायदेमंद शरीर के लिए है। शकरकंद ऊर्जा का बेहतरीन स्रोत है। शकरकंद देखने में कुछ कुछ आलू के जैसा दिखता है। इसके फायदे भी आलू के मुकाबले ज़्यादा होते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मौजूद होने की वजह से एक्सरसाइज करने वाले लोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। शकरकंद में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। खास तौर पर नारंगी रंग के शकरकंद में इसकी भरपूर मात्रा होती है।